हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है कॉन्टिनेंटल जीटी का। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसकी अपने इंजन बफिंग करी थी, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं उसके शॉट्स दिखाता हूं आपको। ये जो डिजाइन अपन ने किया है कॉन्टिनेंटल पे, ये इनक्यूब ने ऑलरेडी कर लिया है, उनका ही अपन ने सेम इस पर डिजाइन किया है, और छोटे मोटे अल्ट्रेशन अपन ने किए है बैक साइड पे, वो मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो कॉन्टिनेंटल जिसमें अपन ने रैपिंग की है रॉयल ब्लू कलर की। ये जो रॉयल ब्लू कलर आप देख सकते हैं, और इसके पहले जो था ये व्हाइट कलर वाली जो कॉन्टिनेंटल आती वो थी। उसके बाद ये 650 ट्विन का अपन ने काम किया, इसके अंदर इंजन बफ किया हुआ है, आप देख सकते हैं इंजन बफ, और जो कि ये मैंने पुरानी वीडियो में आपको बता दिया है इंजन बफ आप घर पे कैसे कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आप चेक कर सकते हो। साथ ही यहां से बैक साइड से जो पीछे का सेक्शन है वो अपन ने चॉप ऑफ कर दिया है, इसमें ये पूरा हटा दिया है ताकि नेकेड व्यू दिखे इसका। बहुत ही प्यारी लगती है गाड़ी, साइड से ये गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। ये फ्रंट व्यू है, इसमें माइनस DRL हेडलाइट यूज करिए विथ DRL इंडिकेटर, सॉरी KTM इसको इंडिकेटर बोलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते चलने पे। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सेक्सी। इसके जो मीटर आते हैं यहाँ पर क्रोम रिंग आती है, इसको अपन ने डी क्रोम कर दिया है। यहाँ से ये पूरा देख सकते हैं इसको मैंने, और यहाँ से आते हुए बार एंड मिरर्स इसमें एड ऑन किए हैं। ये जो हमने यूज किए हैं ये रिवर्सिबल है, ये यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर की तरफ भी ट्विस्ट हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा ढीले करेंगे ये ऊपर की तरफ भी चला जाएगा। साथ ही सेम इधर भी है, ये इसका टॉप व्यू। पीछे ले, पीछे ले। तो गाड़ी हम बाहर लेके आ चुके हैं, इसका मैं राइडिंग शॉट्स आपको बताता हूँ। इस गाड़ी में हमने मोटोटॉक के साइलेंसर यूज किए हैं, मोटोटॉक के साइलेंसर मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करना, ये इसका एग्जॉस्ट नोट है,